نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। एक और मिस कंसेप्शन हमारे दरमियान मौजूद है इमामुल महदी के नाम को लेकर। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमामुल महदी का नाम मेरे नाम जैसा होगा, उनके वालिद का नाम मेरे नाम वालिद जैसा होगा, मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पर आती है हमें, मैं आपको क्लियर करता चलूँ। अरबी में कॉन्टेक्स्ट है, अल्फाज आते हैं इस्म हूँ इस्मी। जो हम अजमी लोग हैं ना, हम लोग तर्जुमा करते हैं उनका नाम मेरे नाम, उनका नाम मेरा नाम होगा, हम ये तर्जुमा करते हैं। बट अगर हम उनकी देखें अरब उलमा की तशरी को पढ़ें, देखें उनकी मादरी जबान है, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं अरबी को। वो तर्जुमा करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मादी का नाम मेरे वालिद का नाम मेरे नाम जैसा होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। और एक और अरब आलिम ने बहुत प्यारी बात की थी, उन्होंने फरमाया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो डायरेक्ट नाम भी ले सकते थे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। ऐसी क्या वजह बनी कि उन्होंने बार बार यही फरमाया कि नाम मेरे नाम जैसा होगा, वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। वल्लाहु आलम, अल्लाह का बिशमा फरमाया। उनका भी एक नज़रिया था, मेरा भी एक नज़रिया है कि हो सकता है इस चीज़ का अंदेशा हो कि कोई कज़्ज़ाब झूठा खड़ा हो जाए इसी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम को लेकर। क्योंकि कितने पिछले कज़्ज़ाब हैं तकरीबन ने यही नाम इस्तेमाल किया है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। असल में ऐसा नहीं है, हदीसों को अगर हम इसको गूगल ट्रांसलेशन में भी आप डालें इस्म हूँ इस्मी को, तो यही मतलब आता है कि उनका नाम मेरे नाम जैसा होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम जैसा होगा। तो ये मिसकंसेप्शन दूर हो जाना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि मोहम्मद कासिम के ऊपर कैसे नाम की निशानियाँ पूरी हो रही हैं। इसी तरह मोहम्मद नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ गया, कासिम नाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। कुरान मजीद अगर आप खोलें अम्मा पारा के पीछे 99 नाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांचवा नाम कासिमुन है, ठीक हो गया। वालिद का नाम अब्दुल करीम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, अल्लाह करीम भी है। तो अल्लाह का बंदा करीम का बंदा कोई इशू नहीं है। हदीस के मुताबिक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा है और वालिद का नाम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब के नाम जैसा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।